हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज फाल्गुन अग्रोजा, आई एम फ्रॉम राजकोट। इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, उसमें हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक जो है उसके एग्जांपल्स जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ कि अगर आपने इन सभी एग्जाम्पल्स जो मैं करवा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से कर लिया तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल्स नहीं होगा कि जो आपसे सोल्व ना हो। बहुत ही इजी तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी एग्जांपल्स मैं अगर यहां पे करवा रहा हूं तो आप अपनी नोटबुक में उसको नोट कर लीजिए, ठीक है? तो पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए और रेडी हो जाइए एग्जांपल्स कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं। सपोज अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो यहां पे हम देख सकते हैं सर्किट में एक लैंप लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम और उसको एक कनेक्ट कर दिया है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ थ्रू अ वेरिएबल रेजिस्टर से शोन इन द फिगर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इसका रेजिस्टेंस हम वरी कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट, ठीक है? और यहां से रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं। उसके बाद इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.25 एम्पीयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टर व्हिच मस्ट बी यूज्ड। यहां पे कितने रेजिस्टेंस का रेजिस्टर हम यूज करेंगे वो हमको फाइंड करना है। और यहाँ पे हमको बैटरी दी गई है 6 वोल्ट की, ठीक है? और यहाँ पे स्विच दिया गया है। तो अगर हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे डायग्राम को तो हमें पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टर है और ये जो हमारा लैंप है ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हुए है, ठीक है? इसको यहां से मान लीजिए यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से ऐसे सीधा चला गया। तो करंट दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ के दोनों रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, वो पैरेलल में नहीं है, सीरीज में है। तो हमको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम लिखेंगे आर इक्विवेलेंट तो कितना आ जाएगा बच्चों, आर एच प्लस ये लैंप का रेजिस्टेंस 20। इसको आर एच की जगह पे हम मान लेते हैं आर, ये हमको ढूंढना है। तो सिंपल हो गया अभी तो, हमको सब पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर पता चल गया, आर इक्विवेलेंट, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, ठीक है? तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज किया है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो आर इक्विवेलेंट है आर प्लस 20 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 0.25, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 20 ये हो जाएगा 4 ओम, ठीक है? समझ में आ गया पक्का? तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं।